दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SBI का AEPS काम क्यों नहीं कर रहा है। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पे जवाब दिया है। क्या है जवाब, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। AEPS क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसके जरिए आधार कार्ड से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हम ट्विटर हैंडल पे आ चुके हैं। आधार से पैसे निकालते हैं, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी समस्या का समाधान करें। तो वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है, आपको हुई सुविधा के लिए हमें खेद है, कुछ तकनीकी कारण यानी कि टेक्निकल इशू के वजह से AEPS सेवाएं वर्तमान में काम नहीं कर रही है। इनमें इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन सेवाओं का बहाल होने तक आप अपने कार्यों के लिए शाखाओं में जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि जब तक यहाँ पे AEPS SBI का टेक्निकल इशू खत्म नहीं हो जाता है, तब तक आप पैसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी जो शाखा है आपका, वहाँ पे जाके पैसे निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। हालांकि जो भी यूजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं, सभी को ये कॉपी पेस्ट करके जवाब यही दिया जा रहा है। कुछ दिनों में मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था जिसका जनधन योजना का खाता है उसके लिए AEPS काम करेगा, यानी कि वो आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। बाकी बात, जिसके पास जनधन योजना का खाता नहीं है वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं आधार कार्ड से। हालांकि अगर वो भी निकालना चाहते हैं, जिनके पास जनधन योजना का खाता नहीं है, अगर वो भी आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, वो क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अपने ब्रांच पे जाएंगे तो सीधा कहेंगे आप AEPS जो आप हमें इनेबल कर दीजिए, मेरे खाते के लिए एक्टिवेट कर दीजिए। तो वहाँ से आप जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो है AEPS इनेबल कर दिया जाएगा, एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तब आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। AEPS इनेबल कर दिया जाएगा, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का AEPS जो है अभी टेक्निकल इशू के कारण से वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही ठीक हो जाता है तो मैं आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तब तक अगले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं।